सो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में आपने देखा, हम गए थे सूर्यदेव के मंदिर सन टेंपल को देखने, जो अपने आप में वन ऑफ इट्स काइंड है ड्यू टू इट्स यूनिक डिज़ाइन। इसे एक चैरियट के फॉर्म में बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा रांची के पास एक बहुत ही डिज़ायरेबल डेस्टिनेशन पे, जो है रुक्का डैम। So, रांची से करीब 28 मिनट की दूरी है रुक्का डैम की, which will be approximately 24 kilometers. So, आज हम इवनिंग में आए हैं। आप चाहे तो एक पिकनिक भी प्लान कर सकते हैं, यहाँ बहुत से लोग पिकनिक के लिए आए हुए हैं। This is one of the rare beauty of Jharkhand. The dam of Getalsud river is a treat to eyes and very serene view from here. And something ain't right. यहाँ के घने पेड़ एंड उस तरफ के पानी का व्यू देखते ही बनता है। अभी फिलहाल मैं आया हूँ रुक्का डैम। ये काफ़ी अच्छा लोकेशन, काफ़ी अच्छा व्यू है। एंड यहाँ पे पानी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। अभी मैंने प्यारे ड्रोन शॉट्स लिए एंड वो वाला ये पेड़ बहुत ही सही है, ऊपर से ही बहुत ही सही आ रहे थे। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ रोड ट्रिप और अ वीकेंड गेट अवे फ्रॉम झारखंड, देन दिस इज द प्लेस। वन चैलेंज इज द एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन ऑफ द रोड लीडिंग टू इट। It is situated in Rukka block, because of which it is locally known as Rukka Dam. It was constructed across the Subarnarekha river and was opened in 1971. It is a popular picnic spot for the residents of Ranchi and Ramgarh district. The dam provides a small-scale fishing opportunity to the local people of Rukka. The main purpose of the dam is to fulfill the drinking water requirements of the residents of Ranchi. Apart from that, it is also used for industrial purposes and generating electricity. तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, धन्यवाद।